हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, राधा रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कि मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जल्दी नहीं उठ पाता, मैं स्कूल जाता हूँ तो पढ़ाई कैसे बैलेंस करूँ, भक्ति नहीं हो पाती, इस छोटी छोटी बातों का आज हम जवाब देंगे। बट मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरा स्कूल कम्प्लीट हो चुका है, तो मैं बोलूँगी तो वो आपको एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे दृष्टि माता जी से। आप सभी इनको जानते हैं, हमारी बहुत प्यारी सखी हैं, हमारी दोस्त हैं, हमारी बेटी जैसी हैं, छोटी हैं क्योंकि हमारी। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये स्कूल में हैं, तो हम इनसे इनका रूटीन पूछेंगे कि हमको गाइड कर पाए, आप जो स्कूल के बच्चे हमें देख रहे हैं, मेरे को देखते हैं, वो समझ पाए कि किस तरीके से हमें एक भक्ति का बैलेंस बनाना चाहिए, अपना डिवोशन में और अपना मेटीरियल लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए। तो ये स्कूल में है तो हम इनसे बातें करेंगे आज। तो दृष्टि माता जी, हरे कृष्ण, जनक प्रणाम सभी को। सो स्कूल में भक्ति करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पढ़ाई भी होती है, सब होता है और नहीं हो पाता मैनेज। तो हमें बिल्कुल ऐसा बहुत ही डिवोटी जैसा परफेक्ट रूटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमसे जितना हो पाए हमें उतना ट्राई करना है। सुबह थोड़ा जल्दी, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे उठ जाए, जिससे आप थोड़ी सी चैंटिंग करके फिर स्कूल जाए, जिससे आपका स्कूल में दिन अच्छा जाए। तो जैसे मैं जल्दी उठने की ट्राई करती हूँ, जल्दी उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कूल के हेक्टिक शेड्यूल की वजह से स्कूल का काम हो जाता है, फिर घर में भी आप कभी टीवी देख रहे हो, भाई बहन भी है, सब है, तो रात को जल्दी सोना नहीं हो पाता, तो जल्दी उठना नहीं हो पाता। परंतु ड्यूटीज की एसोसिएशन की वजह से और भक्तों के प्रेयर्स की वजह से, कृपा की वजह से, और हम खुद जब हम डेडिकेटेडली ट्राई करते हैं कि हमें उठना है, मंगला अटेंड करनी है, तो फिर हम उठ जाते हैं। बहुत बार होता नहीं भी उठ पाते, बट कोशिश यही रहती है कि मंगला के टाइम पे उठ जाए, मंगला ले लें। और 16 राउंड्स तो पूरा ही नहीं हो पाते सुबह सुबह क्योंकि फिर स्कूल जाना होता है, तो 8 राउंड्स कर लिए, 7 राउंड्स कर लिए और फिर स्कूल चले जाते हैं। तो आप भी 8 राइट माता जी, पहले आप क्लियरली ये बताइए कि आप कितने बजे उठने का ट्राई करते हैं? मैं 3:30-4 बजे तक उठने का ट्राई करती हूँ और 4 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ कैसे तैसे, क्योंकि 4:30 मंगला होती है। हाँ, तो मंगला अटेंड करना जरूरी होता है। मंगला अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, बट कभी कभार क्या होता है, कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाते। बट आप सब भी ट्राई कीजिए, आप ये नहीं कि अगर आप अभी 6-7 बजे उठ रहे हो तो आप सीधा मंगला के लिए उठने की कोशिश कीजिए, नहीं, वो नहीं होगा, धीरे धीरे हो पाएगा। तो आप जितने बजे उठना उससे थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे 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 आपका रूटीन अच्छा बनता जाएगा और आप मंगला भी लेना स्टार्ट और कर देंगे। जैसे कि आपने बताया आप 16 राउंड करते हैं, बट जो 16 राउंड नहीं करता उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि आप माला कैसे करें? तो जो न्यू बिगनर्स हैं वो पूरे दिन में कभी भी सिर्फ 7-8 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड करने में, अगर आप बिल्कुल आराम से करो ना तो 8 मिनट में आपकी 1 माला हो जाएगी। तो देखो, हम फोन चलाते चलाते हम पता है 1 रील देखते हैं 15 सेकंड की, उसमें हम पूरा 1-2 घंटे लगा देते हैं आराम से, परंतु जब माला करने की बात आती है तब हमारे पास समय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, हमें माला चैंटिंग को प्रायोरिटाइज करना है। तो हम 2 आवर्स भी आराम से कर लेंगे और 16 माला हो जाएगी हमारी। पर अभी 2 राउंड से आप स्टार्ट कीजिए, या 2 भी नहीं तो 1 राउंड से स्टार्ट कीजिए। 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट की बात है, आपको सिर्फ 8 मिनट कृष्णा को देना है, प्रभुपाद को देना है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो चैंटिंग नहीं करते हैं, आज से सिर्फ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रभुपाद के लिए, अपने लिए, अपनी भक्ति के लिए, कृष्णा के लिए, उनका वो पता है खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कभी मुंडी घुमाएगा, कभी मेरे से बात करेगा, प्रेम करेगा, और हम अपने में ही लगे पड़े हैं। पर हमें उनकी तरफ देखना है, ये माला उठाने और 1 राउंड जरूर चैंट करना भगवान के लिए। तो जो बच्चे कहते हैं, जैसे मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि माता जी और दीदी मैं स्कूल जाता हूँ तो ऐसे बैलेंस नहीं हो पाता, तो आप जैसे कि नॉर्मल स्कूल टाइमिंग जो होती है 7-8 बजे होती है, कोई कोई जैसे आई डोंट नो बट 7 से 8 ही होगी, मैं 7 बजे तक जाती थी। आपका स्कूल टाइमिंग? मेरा 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो मैं 7:30 तक स्कूल पहुंच जाती हूँ। उससे पहले आप क्या क्या कर लेती हैं? उससे पहले मैं मंगला का ट्राई कोशिश रहता है, और बहुत बार हो भी जाती, बहुत बार नहीं होती, बट चैंटिंग का रहता है कि चैंट करके स्कूल जाऊँ, जिससे स्कूल में अच्छा मूड बना रहे, अच्छे से सुबह दिन शुरुआत हम भगवान से करें, दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करें। जैसे आप स्कूल चले गए तो स्कूल जाने के बाद आपकी एसोसिएशन कैसी है? मतलब लाइक वहाँ तो मटेरियलिस्टिक आपके फ्रेंड्स होंगे और आपके क्लासमेट हैं, हर कोई तो डिवोटी नहीं होता है, तो कोई क्लास में बच्चों की क्लास है तो उसमें कोई 1-2 जने भक्त होंगे और तिलक लगाने वाले तो और भी रेयर है, हम जैसे जैसे हम तिलक लगा रहे हैं, माला पहन रहे थे, तो बहुत रेयर है, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? मेरी कोशिश रहती है कि अगर कोई मेरे से बात करे तो मैं उन्हें स्कॉन के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ, थोड़ा बहुत भगवान के बारे में बता दूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं उनको पूरा अच्छे से समझाऊँ, तो थोड़ा बहुत जितना भी होता है किसी भी टॉपिक में वो भगवान को ऐड कर देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा बहुत वो भी श्रवण कर लेते हैं।
और उनका ये कि हम तो नहीं करेंगे बट हम तेरे को भी वो नहीं करेंगे, लाइक तू अपना कर बट हमको ज्यादा मत बता। तो बेसिकली ये सुन के हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है कि तिलक लगाना, कंठे लगाना इज नॉट अ बिग डील। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि वो लोग क्यों बोलते हैं कि आप भक्ति मत करो, मतलब लाइक भक्ति ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता, ये तो हमारा कल्चर है ना, लाइक अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो मतलब लाइक सीरियसली ये कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। हाँ। आपको कोई मना कर रहे कि आपको भक्ति करने क्यों नहीं दे रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो आपका जैसे आप क्वेश्चन पे आते हैं बैक टू द टॉपिक, तो आप जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है और आप फिर घर जाते हो, फिर आपका क्या रूटीन रहता है? लाइक स्कूल से घर जाने के बाद सबसे पहले प्रसादम, क्योंकि बहुत भूख लगती है, स्कूल में कुछ नहीं खा सकते ना। सॉरी टू इंटरप्ट, तो ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं या फिर कोई भी हम जैसे जो भक्त बनना चाहते हैं, वी शुड ऑलवेज ईट, कि हम जो खा रहे हैं ना उसको हम पहले भगवान को ऑफर करें। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, पहले भगवान को ऑफर करें और फिर भगवान से विनती करके वो प्रसाद ग्रहण करें, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, हमें प्रसाद नहीं पाना चाहिए। एक कभी कर क्या होता है, कुछ बच्चे फ्रूट्स भी लेके आते हैं बट मैं फिर भी उनका लंच अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो प्रसाद होता है ना उसमें भगवान की कृपा होती है, और जो जब हम खाना बनाते हैं उसमें हमारे भाव मिले होते हैं, तो आप जैसा खाएंगे वैसा होगा आपका मन। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप खा रहे हैं तो या तो भक्त का हो खाना, या आप अपने घर जाके खुद भगवान के लिए प्रिपेयर करके भगवान को भोग लगा के फिर उसे खाइए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्रसाद खाने का ट्राई करें, कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना आप कोशिश करेंगे भगवान के करीब जाने का उतना ही भगवान भी आपको रास्ते देंगे। तो फिर उसके बाद प्रसादम पाने के बाद आपका स्कूल का होमवर्क होता होगा, ट्यूशन भी अगर आप जाते होंगे तो उनका होमवर्क, और फिर आपको कीर्तन भी कोई अटेंड करना है या फिर मतलब मंदिर आना है, तो फिर वो कैसे मैनेज होता है? तो जैसे मैंने प्रसाद पा लिया तो ट्यूशन तो मैं नहीं जाती हूँ, और चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ मेरे को दोपहर में नींद नहीं आती, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अभी लाइक थोड़ा बहुत कीर्तन सुन लिया, या अगर चैंटिंग बज गए तो वो कर लिया, लाइक 4-5 बजे क्या होता है मैं चैंटिंग कर लेती हूँ अच्छे से भगवान के सामने बैठ के, फिर उसके बाद 6 बजे मैं अपना स्कूल का सारा काम लेके बैठती हूँ, और फिर उसमें कभी कभार क्या होता है 2-3 घंटे मर जाता है, कभी कभार 9-10 बज जाते हैं, तो फिर उससे सोने में लेट हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल का तो सारा काम हो जाता है कि वो सब करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद जब टाइम बच जाता है तो हम थोड़ी कथा सुन ली, लेक्चर सुन लिए, और ये सब नहीं हो पाया तो लाइक पढ़ते पढ़ते कीर्तन चला ले, कि कुछ तो श्रवण करते रहे हम भगवान का नाम, भगवान की ग्लोरीज हमारे कान में चलती रहे, हमारे दिमाग में चलती रहे, कृष्णा कॉन्शियस बने रहे हम। तो बेसिकली आप ट्राई करते हो कि आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठने का ट्राई करो, तो फिर आप जैसे 7-8 दिन स्कूल होता है, मतलब 6 दिन स्कूल होता है, तो फिर आप संडे को ही फोन आते हैं या फिर दिन में बीच में भी आते हैं, कैसे करते हैं मैनेज फोन आने, या फिर मंदिर कहीं जाना? लाइक संडे तो आते ही हूँ मैं, पर लाइक जैसे कि स्कूल से आने के बाद लाइक मैंने बताया 4 से 4-5 बजे का जो टाइम मेरे पास होता है, जिसमें मैं कभी डांस कर लेती हूँ या कभी फोन चला लेती हूँ या कभी टीवी देख लेती हूँ, टीवी तो अब लाइक कम ही हो गया, नॉर्मल डे में टेम्पल ऐसे आ पाती हूँ कि स्कूल कर लिया, स्कूल से आके प्रसादम पा के तैयार होकर मंदिर आ गए, और फिर 1-2 घंटे में वापस मंदिर से घर चले जाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल का काम किया, थोड़ी बात कथा तो सुन ली, लेक्चर अटेंड किया, प्रसाद पाया, सो गए। तो जैसे कि ये मंदिर के पास रहती है माता जी, लाइक 1/2 घंटे की दूरी पे है, तो जो नहीं आ पाता उनके लिए क्या सजेशन है कि वो मंदिर नहीं आ पा रहे तो वो कैसे अटेंड कर सकते हैं, लेक्चर या फिर कीर्तन लाइव भगवान को देखना? यूट्यूब इज द बेस्ट 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 थिंग, पता है इंटरनेट की वजह से, और भक्तों की इतनी कृपा हो गई, भक्तों ने हर चीज इतनी इजी कर दी हम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत भक्त बहुत दूर दूर रहता है तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमारे स्कॉन दिल्ली की तरफ से लाइक लाइव आरती होती है और लाइव दिखाया जाता है, तो आप लाइव देख सकते हैं, घर बैठे बैठे देख सकते हैं। और रही बात पढ़ाई की और भक्ति की, सी जब हम दोनों को प्रायोरिटाइज कर लेंगे ना, कि मेरे लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और मेरे लिए भक्ति भी बहुत जरूरी है, तो हम अपने 24 घंटे आराम से मैनेज कर लेंगे। हम लोगों के पास भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, हम कोई सुपर वुमेन नहीं है, हमारे पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे है, स्कूल मैं भी जाती हूँ, स्कूल आप भी जाते हो, बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे लिए पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है तो मैं पढ़ाई भी करूंगी, और भक्ति इम्पोर्टेंट है तो मैं भक्ति पे भी ध्यान दूंगी, दोनों चीजें साथ में लेके चलूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो तो आपको कमाना भी है, अर्न भी करना है, घर भी चलाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और आपको वापस गोलोक धाम भी जाना है, जो आपका रियल घर है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो भक्ति और पढ़ाई दोनों पे ध्यान दे और दोनों को प्रायोरिटाइज करे तो सब मैनेज हो जाएगा। आई होप आपको इनके आंसर अच्छे लगे, जैसे दृष्टि माता जी ने बताया, जो भी स्कूल के बच्चे जो भी कॉलेज के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम भक्ति कैसे करें, कॉलेज का काम है स्कूल का काम है,
उन सबके लिए ये आंसर थे जो कि दृष्टि माता जी ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो एंड में वीडियो को एंड करते हुए दृष्टि माता जी का लास्ट ओपिनियन या फिर सजेशन बच्चों के लिए जो भी है वो देख रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे माता जी आपकी तरफ? मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं आप सबका भी रूटीन हमारी तरह ही हो, हमारा भी बदलता रहता है थोड़ा बहुत रूटीन, जितना अगर स्कूल का काम ज्यादा गया तो फिर उसके हिसाब से वो बदलता रहता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और अगर वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको अच्छा ना लगा तो उसके लिए माफी, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हम भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं से, और जो हमें सही लगता है पूछते हैं तो फिर हम आपको बता देते हैं। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए और जब आप भक्ति को अच्छे से प्रायोरिटाइज कर देंगे और पढ़ाई को भी तो दोनों अच्छे से हो जाएगा। 24 आवर्स में आपको भगवान को भी समय देना है ये बात ना भूलें और पढ़ाई को भी देना है। तो इन द एंड ओवरऑल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अगर भगवान की कृपा चाहिए, वैसे तो भगवान बहुत कृपालु हैं, आप जितने ही पाप कर लें अब वो आप पे कृपा दृष्टि डालते हैं, लेकिन आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो आपको ये सोचना है। आप जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुछ खास संबंधियों के लिए जो करते हो अगर वो ही आप भगवान के लिए करोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बस इस चीज का आप ध्यान रखें, भक्ति भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा राधे श्याम, हम सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल, हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधे, हरे कृष्णा।